बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बही का मुरब्बा, इसको सफ़र जल भी कहते हैं। इस ये सेब की तरह का एक फल है और इसके बहुत से फ़वाद हैं। फ़वाद गिनवाना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए वो फिर कभी। आज हम इसका मुरब्बा बना रहे हैं। इसको हमने सेब की तरह के टुकड़े छोटे छोटे इसके बना लिए हैं। 2 किलो बही हमने ली है और 1 किलो ये हमने गुड़ लिए है। गुड़ को लेकर हमने कूट लिया है, इसके छोटे 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 और बड़े पीस हो गए हैं। इसको बिल्कुल कूट लेना है आपने। 10 से 12 इलायचियाँ लेके इनको हमने कूट लिया है, कुटी कुटी कर ली हैं। 2 गिलास पानी हमने लिया है। आया, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बही को लेके एक सॉसपैन में हमने इसको डाल दिया है, खाली बर्तन में। इसको अच्छी तरह से छीला तो हमने नहीं है, क्योंकि इसके छिलके के बहुत से फ़वाद हैं, लेकिन हमने इसके बीज वगैरह निकाल लिए हैं। इसको गुड़ को भी अब हम इसी सॉसपैन में डाल देंगे। पहले हमने बही डाल दी, अब हम इसके ऊपर गुड़ डाल देंगे। बही भी हमने डाल दी है, गुड़ भी हमने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। इलायची भी डाल दी, 2 गिलास पानी शामिल करके हमें इसे कम से कम आधा घंटा पकाना है, ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से गुड़ घुल जाए और बही गल जाए। और इलायची की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। बही के मुरब्बे को पकते हुए पूरे 5 मिनट हुए हैं। अभी पकाना हमें इसे आधे घंटे है। अब हम इसके अंदर जर्दे का रंग शामिल करेंगे 2 चुटकी। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और खाने वालों को बुरा भी नहीं लगता। इसको बहुत आराम से पकाना है, बहुत हल्के हल्के पकाना है। आधे घंटे तक इसको पकाना है, लेकिन हल्के चूल्हे पे पकाना है, वरना क्या होगा। और इसको स्टील के बर्तन में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर सिल्वर के बर्तन में ये ठीक से नहीं बनता। और अगर हमने इसे बहुत ज़्यादा जल्दी पकाने की कोशिश की तो इसका गुड़ नीचे जाके लग जाएगा। इसने पकना शुरू कर दिया है, इसको पूरे आधे घंटे तक अभी भी हम पकाएंगे। अभी हमने 5 मिनट बाद इसको आके देखा था, आधे घंटे तक हम इसे आधे चूल्हे पे पकाएंगे, फिर आके इसको देखेंगे। गाढ़ा हो गया तो ठीक है, नहीं तो और पकाएंगे। मुरब्बे को पकते हुए पूरे अब 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हमें इसे आधे घंटे पकाना है। इसके आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी गली है ये, और पानी इसका थोड़ा सा खुशक हुआ है। पानी इसका खुशक हो या ना हो, हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से गलाना है। फिर से हम इसको ढक देंगे और आधे घंटे बाद देखेंगे। इसको पकते हुए पूरे 25 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसका चूल्हा तेज़ कर दिया है, अब हम इसे तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे कम से कम 10 मिनट तक, क्योंकि इसका पानी खुशक नहीं हुआ है और हमें इसके पानी को खुशक करना है। मुरब्बा हो गया है हमारा बिल्कुल तैयार। अब गुड़ का सिर्फ शीरा बाकी रह गया है, पानी सारा खुशक हो चुका है। 1 तार का शीरा हमने बनाया है इसका। ये मुरब्बा हमारा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे चूल्हे पे से उतार लेंगे। मुरब्बा हो गया है हमारा तैयार, इसको हमने चूल्हे पे से उतार लिया है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मुरब्बे का कलर आया है। अब इसमें सिर्फ शीरा बाकी रहेगी। ये देखिए रेडी है हमारा सफ़रजल यानी बही का मुरब्बा। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये दिल को तकवीत देता है, दिल के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है, और इसे शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, इसीलिए हमने इसमें गुड़ डाला है। ये देखिए कलर आप इसका देख ही सकते हैं, और खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। और अगर इसे बग़ैर मुरब्बा बनाए, सिर्फ ऐसे खाया जाए, तो भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।